तो वेलकम है मेरे प्यारे दोस्तों। देखिए आप लोग का एग्ज़ाम सामने आ चुका है और ऐसे में आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी हो जाता है। तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं इंग्लिश ऑनर्स बीए सेमेस्टर वन यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर आईआरसी पेपर वन, और इसमें आपको पढ़ना होता है अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर। ठीक है, अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ाई करते हो, अगर आपका सब्जेक्ट ये अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर तो डेफिनेटली क्वेश्चन यहीं से पूछे जाएंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। इसमें आपको चार यूनिट पढ़ना होता है। पहला यूनिट है इसमें अंडरस्टैंडिंग लिटरेचर, ठीक है, यानी कि साहित्य की समझदारी या साहित्य की समझ। यूनिट टू में पोइट्री को पढ़ना होता है। यूनिट थ्री में आपको ड्रामा पढ़ना होता है और यूनिट फोर में आपको फिक्शन पढ़ना होता है। ठीक है, ये चार यूनिट आपको स्टडी करने होते हैं। तो आइए देखते हैं, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको मैं हाईलाइट कर दिया हूँ, एंड वीडियो के एंड में इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर दीजिएगा। पहले आप वीडियो को देख लीजिए यार, हमारे साथ जुड़ के इतने मेहनत से आपके लिए वीडियो बनाते हैं। सच बता रहा हूँ, इतना मेहनत मुझे नहीं करने का मन करता है लेकिन आप लोग के चलते करता हूँ। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ लिटरेचर, यानी कि साहित्य की प्रकृति कैसी होती है। यहाँ पे पूरा का पूरा आपको आंसर डिफाइन किया गया है। ठीक है, आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर टू। इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द फंक्शन ऑफ लिटरेचर, राइट द आंसर इन योर वन वर्ड्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर टू है, सभी को पहले क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा एक बार, उसके बाद आंसर आप पीडीएफ डाउनलोड करके बनाते जाइएगा। ठीक है, एक बार रीड करना है, फिर राइट करना है, फिर रीड करना है, आपको याद हो जाएगा। तीन नंबर है कि राइट द इम्पैक्ट ऑफ लिटरेचर ऑन सोसाइटी, यानी कि साहित्य का जो है हमारे समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है इसको बताना है, लेकिन इंग्लिश में बताना है। आप में से बहुत से लोगों को इंग्लिश उतना नहीं आता होगा, फिर भी इंग्लिश रख लिए होंगे ताकि इंग्लिश सीखना है ना, तो बस पढ़ते जाइए लिखते जाइए, होते होते कहते ना होते होते प्यार हो गया, बस उसी तरह होते होते आपको भी पढ़ाई से प्यार हो जाएगा। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द नेचर ऑफ पोएट्री, यानी कि पोएट्री कविता का क्या प्रकृति होती है वो चीज़ बताना है, नेचर क्या होता है। अगला क्वेश्चन है कि व्हाट आर द, यार थोड़ा पेट में गैस हो गया है तो डकारे आज बहुत आ रहे हैं। व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ पोएट्री, यानी कि कविता के विभिन्न रूपों को बताना है इसमें। ठीक है, इसमें बहुत सारे इपिक दिए गए हैं, लायरिक दिए गए हैं, जिस तरह से यहाँ पे हेडिंग बनाया गया है उसी तरह से आपको भी एग्जाम में हेडिंग बना बना के लिखना है। ठीक है, तो क्वेश्चन है क्रिटिकली एनालाइज द पोएम द प्ले ऑफ जॉर्ज हर्बर्ट। ठीक है, आगे देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर हमारा नेक्स्ट है, इसी तरह मैं जितने भी हैं उन सभी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर और इसका इंपॉर्टेंट नोट्स आपको प्रोवाइड करा दे रहा हूँ। ठीक है, क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम ऑन हिज ब्लाइंडनेस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है जी, इसमें पूछा गया है कि राइट द समरी ऑफ द पोएम द टाइगर एंड ऑल्सो कमेंट ऑन इट्स थीम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो इसको डाउनलोड कर लीजिएगा पीडीएफ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं जल्दी जल्दी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन है कि गिव योर एक्सेस ऑन निजिम एंड इजेकिल्स पोएम द नाइट स्कॉर्पियन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, तो क्वेश्चन है कि राइट द क्रिटिकल एनालाइज ऑफ कमला दास पोएम, यहाँ पे एन लिख दिया है, कमला दास पोएम होना चाहिए, एन इंट्रोडक्शन। ठीक है, तो कमला दास के बारे में आपको सेमेस्टर, मतलब कि अभी बहुत पढ़ना होगा, सेमेस्टर टू थ्री फोर फाइव, लगभग हर सेमेस्टर में कोई ना कोई चीज़ आ ही जाएगा कमला दास के बारे में। कमला दास काफ़ी फेमस है इंग्लिश पोएट, इंग्लिश ऑनर्स में बीए में भी और एमए में भी। क्वेश्चन है कि व्हाट इज द डिफिनेशन, व्हाट इज द डिफिनेशन एंड नेचर ऑफ ड्रामा, और इंग्लिश ड्रामा का जो फादर कहा जाता है विलियम शेक्सपियर को कहा जाता है। कमला दास और शेक्सपियर दो चीज़ को आपको बहुत ज़्यादा डीपली पढ़ना होगा इंग्लिश ऑनर्स में। क्वेश्चन है कि कमेंट ऑन द वेरियस एलिमेंट ऑफ ड्रामा एंड लिटरेचर। ठीक है,
आगे देखते हैं। तो 25 नंबर क्वेश्चन क्या है, 25 इसमें पूछा गया है कि व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा, व्हाट आर द डिफरेंट फॉर्म ऑफ ड्रामा। ठीक है, तो इसके जैसे कि ड्रामा के कॉमेडी मैनर्स होते हैं, इसी तरह जितने भी हैं प्रॉब्लम प्ले होते हैं, ट्रेजिडी होती है, सभी को फॉर्म को लिखना है। और अगला क्वेश्चन है हमारा, इसमें पूछा गया है कि एक्सप्लेन इन योर वन वर्ड, अपने शब्दों में द सिग्निफिकेंस, यानी कि इसके कैरेक्टरिस्टिक्स को बताना है, विशेषताओं को, ऑफ द टाइटल एज यू लाइक इट। ठीक है, एज यू लाइक इट बोलने में बहुत अच्छा है, एज यू लाइक इट। अच्छा, तो कुछ इस तरह से आपको जो पॉइंट मिलेंगे बहुत इंटरेस्टिंग भी होंगे, ड्रामा ये सबको पढ़ लीजिएगा। एज यू लाइक इट इज द स्वीटेस्ट, ठीक है ना, स्वीटेस्ट, यानी कि देखिए यहाँ पे सुपरलेटिव डिग्री का यूज किया गया, स्वीट, स्वीटर, स्वीटेस्ट, एंड हैप्पीएस्ट ऑफ द शेक्सपियर्स कॉमेडी डिस्कस एज यू लाइक इट। बहुत अच्छा होगा यार, मैंने तो नहीं पढ़ाया, लेकिन यहाँ पे जिस तरह क्वेश्चन बनाया गया है उसके अनुसार होना चाहिए, तो आप डेफिनेटली पढ़ लीजिए, इसमें आपको मन भी रहेगा। देखिए जिस व्यक्ति को पढ़ाई में मन लग गया और काम में मन लग गया, सच में जीवन में बहुत तरक्की कर लीजिएगा। क्वेश्चन है कि स्वीट आर द यूज ऑफ ए डाइवर्सिटी, दिस इज द की नोट ऑफ एज यू लाइक इट डिस्कस। तो ये था क्वेश्चन, एंड इसका आंसर कुछ इस टाइप से डिफाइन किया गया है यहाँ पे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि डिस्क्राइब द नेचर एंड स्कोप ऑफ फिक्शन राइटिंग। तो ये क्वेश्चन 12th क्लास के मुकाबले यहाँ पे आपको बहुत कम मेहनत करना पड़ेगा, लेकिन बहुत लंबा मेहनत करना पड़ेगा। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो इसे पूछा गया है कि कमेंट ऑन वेरियस टाइप ऑफ फिक्शन प्रेस्क्राइब इन योर सिलेबस। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन, आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 39 नंबर, 40 नंबर, पेज नंबर 40, इसमें पूछा गया है कि राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द लास्ट लीफ ऑफ ओ हेनरी। ठीक है, आगे देख लेते हैं। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, अब ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, बस कुछ ही क्वेश्चन है, उसके बाद ऑब्जेक्टिव शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ योर राइट द समरी ऑफ द स्टोरी MCC बाय आर के नारायण। आर के नारायण पे आपके सिलेबस में बहुत बार, मतलब कि इंग्लिश में बहुत ज़्यादा पढ़ना होगा आपको आर के नारायण के बारे में। क्वेश्चन है कि राइट द समरी ऑफ द स्टोरी द पोस्ट मास्टर बाय रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक, इनसे रिलेटेड है तो पढ़ लीजिएगा। आगे देखते हैं, तो आपका क्वेश्चन है इसमें, अब तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ जाएगा, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कर लेंगे, बस इतना में अभी कर लीजिए इतना ही। ठीक है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को नेक्स्ट पार्ट में कर लेंगे, जिसमें आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन IRC के कंप्लीट करा दिए जाएंगे। तो भाई इसका PDF का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। एंड अभी आपको सेमेस्टर 8 तक जाना है, और हमारा जो यह चैनल है ज्ञान सागर, इसमें स्पेशली आपको ये नोट्स और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो कि पूछे गए हैं, ठीक है, चाहे आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, स्पेशली तो मैं झारखंड के लिए ही डालता हूं, लेकिन आप किसी भी यूनिवर्सिटी से हों, आपको सिलेबस अगर मैच कर जा रहा है तो आप देख सकते हैं। ठीक है, और जिस भी क्वेश्चन पेपर को सर्च मार रहे हैं, जैसे कि IRC सेमेस्टर 1 के कर रहे हैं, तो बोल दीजिएगा कि इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 1 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और फिर अंत में ज्ञान सागर लिख देना है। किसी भी चीज़ को सर्च मारिए, अंत में ज्ञान सागर लिख दीजिएगा, तो हमारे चैनल का जो वीडियो है वो आपके सामने आ जाएगा और आप इजीली देख सकते हैं। ठीक है, इसी तरह अगर आपका कोई दोस्त हो तो उन तक भी वीडियो को शेयर कीजिएगा, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है दोस्त, और मेहनत कीजिए, ठीक है, रंग लाएगी, क्योंकि बिना मेहनत के कुछ भी नहीं होता है दोस्त, ठीक है ना। तो बाय, फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, पढ़ाई कीजिए मस्ती से, खुश रहिए और स्वस्थ रहिए, धन्यवाद।